हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो हम सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप टू पेपर सिक्स कर रहे हैं, विच इज इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अबाउट? व्हाई डू वी नीड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? व्हाट आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद दैट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या? पहले क्या होता था, देयर वाज दिस नोशन इन प्रिमिटिव टाइम्स कि जिसके पास भी ह्यूज चंक्स ऑफ लैंड, लैंड बेस्ड इकोनॉमी होती थी, दे वर कंसिडर्ड पावरफुल, प्रिविलेज्ड। देन वी शिफ्टेड टू मशीन एज, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड, इंडस्ट्रियलाइज्ड एज हो गई, फैक्ट्री स्टार्टेड गेटिंग बिल्ट अप, मशीन एज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल स्टार्टेड। एंड नाउ इज द टाइम व्हेन Human mind is the most important asset, creation of human mind, research, knowledge, advancement, ye sab cheeze, they give you an edge over others, they provide intangible benefit to the person who is in possession of that. So, do type ke aapke paas assets hote hain, tangible, which can be touched, which can be touched, felt, and the second is intangible, which cannot be touched, which cannot be seen, which can only be felt, जिसका existence आपको सिर्फ उनके feeling से पता चलता है, उनके effect से पता चलता है, but you do not know the एग्जिस्टेंस ऑफ इट टैंजिबली। तो जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, विच इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट इज अ प्रॉपर्टी विच इज क्रिएटेड बाय अ पर्सन यूजिंग हिज और हर ओन इंटेलेक्ट। ह्यूमन की इंटेलेक्चुअल माइंड, इंटेलेक्चुअल केपेबिलिटीज को यूज करके जो असेट जनरेट होता है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। It is used for ultimate use in commerce and is not available in the public domain. Example of IPR, invention relating to a product or process, new design of an article, literary, artistic, trademark. ये सारी creation जो human अपने mind को apply करके create करता है, which is otherwise not in existence. आपके पास एक idea आया कि लेट्स मेक अ कार जिसकी एफिशिएंसी इज 10 टाइम्स फास्टर देन द एग्जिस्टिंग कार्स अवेलेबल इन द मार्केट। यू इन्वेस्ट योर रिसोर्सेज, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड यू क्रिएट अ न्यू प्रोटोटाइप ऑफ दैट कार, उसकी एप्लीकेशन आप मार्केट में लेकर आते हो एंड यू क्रिएट एन असेट आउट ऑफ द नॉलेज, आउट ऑफ योर इंटेलेक्चुअल केपेबिलिटी। वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है। या फिर कोई भी जो प्रेजेंट कोई प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करना विद अ विजन इन माइंड, या कोई ऐसा नया प्रोसेस, इन्वेंशन, डिजाइन लेकर आना विद द यूज ऑफ योर माइंड एंड नॉलेज केपेबिलिटीज, विच लीड्स टू अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू थिंग विच इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। जो आज तक एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको एग्जिस्टेंस में लेके आना विद द intellectual capabilities of human mind is what intellectual property is all about. Intangible asset hai jo human apni mind ki capabilities se generate karta hai, usko hum kehte hain intellectual property. Aur aaj ke time pe intellectual property has become so important kyunki itni sari naye inventions, naye creations market mein aate hain. So to ensure द पर्सन हुज आइडिया दैट वॉज एक्चुअली गेट्स द रिवॉर्ड फॉर इट, उसके लिए ये सब चीजों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है कि आपके पास एक आइडिया आया एंड यू क्रिएटेड एन असेट आउट ऑफ इट, सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू आर एडिक्वेटली कंपनसेटेड फॉर दैट। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन चीजों को सेफ गार्ड करने के लिए, सो दैट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सो यूज is not misutilized, हमारे पास intellectual property laws
आए हैं। Intellectual property right is the statutory right granted by the government to the applicant or owner of an intellectual property to exclude others from exploiting the intellectual property commercially for a given period of time in lieu of the disclosure of his or her intellectual property in an IPR application. एक लीगल राइट प्रोवाइड करना टू द ओनर जो जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है सो दैट ही इज गिवन द गारंटी ऑफ प्रोटेक्शन दैट ही इज एडिक्वेटली कंपनसेटेड फॉर हिज आइडिया जनरेशन एंड फॉर यूज ऑफ हिज एप्लीकेशन ऑफ माइंड हिज आइडिया इज नॉट कॉपीड इज प्रोटेक्टेड and is used by him is adequately compensated by him for commercial utilization. ये basic rational होता है हमारा IP के पीछे जो intellectual property laws जो आज के time में इतना सब new cases are coming up, new laws are being made, वो इसलिए है because इतनी सारी नई inventions, नए designs, नए आइडियाज जो आ रहे हैं मार्केट में इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो जिसका वो आइडिया है व्हेन दिस इज कमर्शियली यूज दे आर एडिक्वेटली गिवन प्रोटेक्शन ऑफ दैट दे आर एडिक्वेटली कंपनसेटेड. इम्पॉर्टेंस ऑफ आईपीआर इन जनरल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एन असेट दैट कैन बी एक्सप्लॉयटेड बाय द ओनर फॉर कमर्शियल गेन. आपने एक नया आइडिया सपोज हमारे पास ये जो जियो आया फास्टर इंटरनेट एट चीपर रेट ये भी पहले सबसे पहले एक आइडिया आया इन द माइंड ऑफ द ओनर ही इन्वेस्टेड कैपिटल ही बॉट कैपिटल एंड अदर मैनकाइंड टू वर्क ऑन दैट आइडिया एंड इवेंचुअली आज इंटरनेट हैज बिकम सो रैम्पेंट मोबाइल यूसेज हैज बिकम सो रैम्पेंट एंड जियो इज अ मेजर प्लेयर इन द सेगमेंट. तो आपके पास जो आइडिया है यू कमर्शियली यूटिलाइज दैट. ऐसे ऑल द न्यू इन्वेंशंस व्हिच आर कमिंग अप हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं जो ईवीज नाउ आर कमिंग इन द मार्केट सो वो भी व्हेन दे स्टार्टेड हूएवर स्टार्टेड इट एंड हाउ दैट आइडिया इज बीइंग कमर्शियली यूज्ड तो इससे क्या है दैट आइडिया व्हिच गॉट जनरेटेड इज नाउ कमर्शियली यूज्ड. सो इट इज एन असेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एन असेट which is commercially exploited, it IP owner can stop others from manufacturing and selling products and services which are duly protected by the IP owner. अगर आपने किसी के ऊपर intellectual property right ले लिया है, something, some new idea came up in your mind, you got it registered, आपने उसको legally register करा लिया, you got a patent or a trademark, copyright over it, so the period for which you have been given the patent, trademark, copyright, you can prevent the other person from using that idea and commercially exploiting it. That creation is rightfully yours and you have the right to assign it, you have the right to transfer it, you have the right to use it and make it available to the masses. The other person cannot exploit it commercially. IP owner can sell or license the IP for commercial gain. Intellectual property can be used to establish the goodwill and brand value in the market. जो हमारे पास for example जो McDonald's है या फिर जो Pepsi है Pepsi की जो जो soft drink available होती है market में the recipe of that the secret जो इनका ट्रेड सीक्रेट है दैट इज राइटफुली रजिस्टर्ड बाय देम असेंबली लाइन पे जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है बट द ट्रेड सीक्रेट इज रजिस्टर्ड इज सेफ एंड ओनली द ब्रांड कैन यूज इट फॉर द मार्केटिंग फॉर द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन रेस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट डिस्क्लोज इट कैन नॉट यूज इट. सो टू एस्टैब्लिश द ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट
the intellectual property plays a vital role because आपके पास उसकी ownership होती है, so you can maintain the quality control and the services delivered. हमारे पास जो ये concept होता है franchisee का, ये भी जब आपको किसी चीज किसी की फ्रेंचाइजी आप लेते हो तो जो क्वालिटी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी मेंटेन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द ओनर, दैट ही वुड इंश्योर दैट द राइटफुल क्वालिटी इज मेंटेन्ड बिकॉज द ब्रांड वैल्यू इज इन क्वेश्चन, इज इन पिक्चर. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्चुअली हेल्प टू गेट द गुडविल एंड द ब्रांड वैल्यू मेंटेन इन द मार्केट. इन्वेंटर कैन मेंशन इट इन हिज रेज्यूमे एंड शो द कॉम्पिटेंस. आईपीआर सर्टिफिकेट एस्टैब्लिश द लीगल ओनरशिप अबाउट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. आपके पास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप रजिस्टर करते हो, देन यू आर राइटफुली द ओनर ऑफ दैट आईपी एंड दैट इज इन योर पोजेशन. क्या काइंड ऑफ आईपीआर है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपीआर जनरली अवेलेबल? So IPRs are protected in accordance with the provisions of the corresponding legislations of a country. There's a chapter intellectual property laws में जहाँ पे general agreement on trade and tariffs, general agreement of trade and services, जिसमें how the intellectual property subject came into picture, different round of negotiations and agreements came into play. And every country has a separate legislation to protect it, but under a standardized umbrella. In India, IPRs can be protected and monopolized under the different acts, mainly, for example, Patent Act, Design Act, Trademark Act, Geographical Indication of Goods Act, Copyright Act, Protection of Integrated Circuits and Designs Act, Plant Varieties and Farmers Rights Act, Trade Secrets Act. अब ये कब क्या क्या यूज होता है? Let's see. Patent is to protect the technology. Patent Act is to protect the technologies. इसके लिए हमारे पास the Patent Act आया. Trademark is to protect the words, signs, logos, labels. McDonald's का M, Nike का tick mark, just do it. ये सब चीजें हैं हमारी ट्रेडमार्क, द वर्ड्स, द लोगोज, द लेबल्स के लिए ट्रेडमार्क एक्ट. डिजाइन इज टू प्रोटेक्ट द आउटर ऑर्नामेंटल कॉन्फिगरेशन, यू हैव द डिजाइन एक्ट. देन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल अल्फोंसो मैंगोज जो एक जगह की स्पेशलिटी है, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा. हमारे पास ना एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सोसाइटी है वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मार्क भी असाइन होते हैं. डिफरेंट स्टेट्स आर गिवन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फॉर द स्पेशलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन दैट स्पेसिफिक रीजन. जैसे बासमती राइस, इसके ऊपर देयर वाज अ लिटिगेशन गोइंग ऑन. तो ये हमारी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अंडर कवर हो जाता है. देन टू प्रोटेक्ट द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क वी हैव द कॉपीराइट एक्ट. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अवेलेबल. आज हम देखेंगे पेटेंट्स क्या है, व्हाट इज पेटेंट. हमने देखा इट इज टू प्रोटेक्ट द टेक्नोलॉजी. सो व्हाट एक्चुअली इज पेटेंट, हाउ द पेटेंट एक्ट, पेटेंट रूल्स go about, we are going to study that. Patent is a statutory right for an invention for a limited period of time to the patentee by the government in exchange of full disclosure of his invention for excluding others from making, using, selling, importing the patented product or process for producing that product for those purposes without his consent. Basically, एक legal right देना जिससे कि you
exclude others from making, using, selling, importing the patent product or process without his consent. So you get a rightful ownership over the process or product that you can use it for the purpose and can prevent others from making, using, selling, importing the product or process for a limited period of time, for the duration for which the patent is granted. It is a monopoly grant and it enables the inventor to control the output and within the limit set by demand the price of the patented product. Because you have the monopoly over that, so aap with the use of that patent right over the product or process, you can control the price, you can control the supply mechanics in the market. Hamari jo constitution mein lists hai, list 1, 2, 3 in the schedule 7, iska ye list 1 ka entry 49 mein cover hota hai. जैसे आपको पता होगा लिस्ट 1, 2, 3 देर आर थ्री लिस्ट. लिस्ट 1 के लॉज आर मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, लिस्ट 2 लॉज आर मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड लिस्ट 3 लॉज आर मेड बोथ बाय द स्टेट एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट. सो यहाँ पे बिकॉज इट इज कवर्ड इन लिस्ट 1, सो द लॉ रिलेटिंग टू पेटेंट इज अंडर द डोमेन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. हमारे पास देर आर नो सेपरेट लॉज फॉर डिफरेंट स्टेट, देर इज अ लॉ एट द सेंटर लेवल विच इज एप्लीकेबल टू द होल कंट्री, which is Patent Act 1970, which was amended in the number of times as shown. Ab object of patent law kya hai? Hamara section 21M of the Patent Act 1970 define the term patent as to mean a patent for any invention granted under the पेटेंट एक्ट. कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस जिसके ऊपर पेटेंट अंडर द पेटेंट एक्ट 1970 ग्रांट करा है कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ दिस लॉ. इन द केस ऑफ विश्वनाथ प्रसाद राधे श्याम वर्सेस हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज 1979, इट वॉज हेल्ड that the object of patent law is to encourage scientific research, new technology and industrial process. Scientific research advancement ko promote karne ke liye, new technological advancement, renewed industrial progress ko promote karne ke liye patent law came into picture. According to the Supreme Court in this case, it is a limited time grant of the only right to own, use or sell a patented method or product, encourages the development of new commercially useful invention. Patentee, jisko patent grant kara hai, has the complete right to restrict the outsiders from making, operating, providing accessibility to be bought, providing or putting in the product generated by him without his consent. Jaisa ki humne dekha, patent is a monopoly grant. You can control the other person, you can control the samne wala party that you will not deal, engage, use this product without the consent, without the permission of the patentee. He has a privilege to file the suit for encroachment of his patent and can ask for remedies like injunction, compensation and a settlement of profit against the individual who encroached his patent. Injunction ka, encroachment, compensation, settlement of profit, if he finds out that his patent has been misused, if the product or process is used without his consent. So you have the legal right to file a case and you have a legal right to prevent the other person from engaging and using the patented product.
Patentee can commercially exploit or pitch his creation to any skilled individual and concede permit to him to abuse his item, and in this way can win the benefit along these lines. You can yourself can use the product commercially, or you can give the right to the another person to enable the third party to use the product under his ambit, for which you would be paid a fee. जिसको हम कहते हैं franchise दे दिया कि आप इसको use करो, इसको exploit करो, and in lieu of a consideration. The holder of the exclusive permit can also avail the rights given to the patentee and can bring a suit if there should arise an encroachment of patent. Holder of the exclusive permit can also avail the right given to the patentee. जिसको patent grant हुआ, अगर उसने सामने वाली party को एक right दिया क्योंकि fine, under these TNCs you can use the product, you can deal with the product, and I would be paid a consideration for letting you use the product commercially, then all the rights which are available to the patentee, the holder of the permit can also avail if there is any encroachment of patent. He also gets a right to file a suit if a next party, any third party, uses or avails and misuses the product. A patentee gets the privilege to make changes or alterations of an invention depicted or uncovered in the total determination of the primary innovation and get the particular right of a patent by the substantial change or patent as a matter of addition or certain adjustment. So you can make additions, you can make changes, you can make alterations, and can improve the patented product by other improvements. So you have the right available under the act. Next हमारे पास आता है what can be patented. An invention relating either to a product or process that is new, involving inventive step and capable of industrial application can be patented. New inventive step and capable of industrial application. These product or processes can be patented. However, it must not fall within the categories of inventions that are not patentable, that is section 3 and 4. Section 3 and section 4 mein joun si items de rakhi hain, unko exclude karke. So what can be patented mein? New inventive step and capable of industrial application, other than the products or processes covered in section 3 and 4 of the act. Section 3 and 4 mein hamare paas prohibitive sections ho gaye, which cannot be patented, which are not considered inventions under the act. Section 3 mein hamare paas list de rakhi hai and section 4, ye hum baad mein dekhenge. अब हम देखते हैं what are the criteria of patentability. An invention is patentable subject matter if it meets the following criteria. It should be novel, it should have inventive step, or it must be non-obvious. It should be capable of industrial application and should not attract the provision of section 3 and 4 of Patent Act 1970. Novel, inventive step, non-obvious, capable of industrial application and not covered in section 3 and 4 of that.
नॉवल इन्वेंशन होनी चाहिए, ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी समथिंग कि आपने हल्का सा ऑल्ट्रेशन करेगा कर दिया एंड यू आर सेइंग कि हमने कुछ नया इन्वेंट कर दिया. इट शुड नॉट बी. देयर शुड बी एफिशिएंसी एंड एफिकेसी. इट शुड बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, केपेबल टू बी यूज, केपेबल टू बी कमर्शली यूटिलाइज एंड शुड नॉट बी कवर्ड इन सेक्शन 3 and 4 ऑफ द सेक्शन 3 and 4 जो हम देखेंगे विच आर नॉट कंसिडर्ड इन्वेंशंस ऑल टुगेदर. नाउ हु कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट, ये हमें सेक्शन 6 में दे रखा है. बेसिकली जो हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप सारे सेक्शंस याद रखें, बट मेन सेक्शंस आपको पता होने चाहिए. जैसे सेक्शन 3 and 4 में वो चीजें हो गई जो कि पेटेंट नहीं हो सकती है. सेक्शन 6 में हु कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट. सो वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड इज पेपर में ना सही सेक्शन लिखने पे यू विल गेट एन एज ओवर अदर्स, बट गलत सेक्शन लिखने से अगर आपने कॉन्टेंट सही भी लिखा है बट सेक्शन गलत लिख दिया तो इट इज अ जस्ट क्रॉस फॉर द एग्जामिनर. You will not even read अगर आपने सेक्शन तो कुछ लिख दिया और आपने कॉन्टेंट सही लिख दिया. सो ओनली इफ यू आर श्योर कि आप सही लिख रहे हो, यू आर वेरी श्योर कि सेक्शन जो मैं कोट कर रहा हूँ दैट इज द करेक्ट वन, देन ओनली राइट द सेक्शन. अदरवाइज लीव इट, जस्ट राइट द कॉन्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेम्बर. कुछ भी नहीं लिख के आना है. सेक्शन कोट करने से बेटर है फिर लिख दो एज पर द एक्ट. Don't quote. It is definitely a good exercise if you remember the section. But if you have a doubt in the exam, better to avoid it and write as per the act, as per the provisions of the act. This person is entitled as per the provisions of the act. This can be patented. So, इस तरह से आपको explain करना. So, हमारे पास who can make an application for a patent for section 6 में given है. Section 6 of the act provides that an application for a patent for an invention may be made by any of the following persons. That is to say, any person claiming to be the true and first inventor of the invention. कोई भी बंदा जो कहता है कि I have created a new product or process which is novel, new, inventive, capable of being commercially used, capable of industrial application, not in section 3 and 4 of the act, then he is claiming that he is the true and first inventor of the invention and can make an application for the same. By any person being the assignee of the person claiming to be the true and first inventor in respect of the right to make an application. Assignee of the inventor. If the person who is claiming that he is the true and first inventor, he has assigned the right, then the assignee can also make an application. By the legal representative of any deceased person who immediately before his death was entitled to make an application. Legal representative of a deceased person who before his death was the true and first inventor or an assignee of the same. So, these are the three categories who can make an application for the grant of patent. The application may be made by one of the person either alone or jointly with any other person. A form of application kya hai? Section 7 mein de rakha hai. Section 7 dealing with form of application requires every application for a patent to be made for one invention only. Single application for a patent. Where the application is made by virtue of an assignment of the right to apply for a patent, there shall be furnished with the application proof of the right to make an application. When the assignee is making the application, then assignee will
attached along with the application the proof that he has been so assigned by the true and first inventor of the application to make an application. So that proof has to be so attached.